हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ग्रेविटेशन देख रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर पे हमने जितने भी थ्योरी थे सभी को कवर कर लिए। आज मैं कुछ उस पर सम सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, पहले आप लोग से पूछूंगा, आप लोग को यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली आज का जो क्लास होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। तो देखो, पहला एक मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, दिया हुआ है कि आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है। आई मीन अर्थ के इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उससे पूछा गया द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए लैटिट्यूड ऑफ लैम्डा इक्वल टू 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, ये फोर ऑप्शन दिया हुआ है, जी इक्वल टू माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन फोर, जी प्लस थ्री बाई फोर ओमेगा स्क्वायर आर, थर्ड ऑप्शन है जी ई, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बाई फोर, लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई फोर। अब बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली क्या है, मैंने ये पढ़ाया था कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन। क्योंकि देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है ओमेगा के टर्म दिया हुआ है, और हमने ये देखा था कि यदि कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था, कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जी एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज नथिंग बट द लैटिट्यूड। और बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है भी आप शायद जानते हो, देखो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन होगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन से ये मान लो कि कोई पॉइंट पी है, इक्वेटोरियल प्लेन से उसका जो इस पोजीशन वेक्टर का इक्वेटोरियल प्लेन से जो इंक्लाइनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे जो आई मीन पी पॉइंट पे, इसको हम बोल सकते हैं पी या कुछ भी, लैम्डा लैटिट्यूड पे क्या होगा, जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर क्या होगा, लैम्डा होगा। अब देखो ये क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया दिस इज कॉल्ड इक्वेटर और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो जी ई इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेटर का मतलब बेटा क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो रखोगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा इनटू क्या होगा, कॉस स्क्वायर जीरो, और इसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो हम बोल सकते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, ये जी हो गया, ठीक है। कोई पूछे पोल से तो पोल पे भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी 30 डिग्री आई मीन लैम्डा जब 30 डिग्री हो जा रहा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, आपसे वो पूछा गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो जी 30 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहाँ 30 डिग्री रख दो तो क्या लिखोगे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री बाई टू होता है, सही है। तो जी 30 इज इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर आर बाई क्या होगा, फोर। देखो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन गलती से, देखो यहाँ क्या है, जी नहीं, यहाँ जी है, इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जी ई, जी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से जी का वैल्यू हम यहाँ रख दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, जी को जी के टर्म में क्या करना है, लिख देना है बेटा, ठीक है। तो देखो जी 30 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी 30 इज इक्वल टू क्या होगा, जी, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ, देखो ये माइनस क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस थ्री
ओमेगा स्क्वायर आर बाई हमने क्या लिखा 4। और बेटा इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जी ई प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी विल बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन से हम जाते हैं कि ऑप्शन किसके टर्म में दिया हुआ है। यदि आपने यहाँ बाई मिस्टेक से जी और जी में डिफरेंस नहीं देखा तो आप मिस्टेक करोगे, आप ऑप्शन क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे, ठीक है। तो फिर अब दूसरा एक सम देखते हैं, इस पे दूसरा सम क्या है, उसके थोड़ा पहले कुछ है, हाँ कैपलर्स लॉ से क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देख लो, ये सन है, देखो यहाँ ऐसे कुछ डायग्राम दिया गया है, जस्ट यहाँ इस सन है, ठीक है। कैपलर्स लॉ कल मैंने बताया था, कोई प्लैनेट है यहाँ से क्या है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ए सी और डी दिया हुआ है, ठीक है। इसको उन्होंने एस माना है तो हम भी एस मान लेते हैं, और ये देखो शेडेड एरिया दिया हुआ है, कल हमने पढ़ा भी था कैपलर्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था, ठीक है। तो ये सी टू डी ऐसे प्लैनेट जा रहा है, और ये क्या हुआ, ए टू बी, ठीक है। ये सन है तो प्लैनेटरी मोशन पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्या है, सी टू डी जाने में, ए टू बी जाने में टी ए बी कितना दिया हुआ है, टी ए बी इज इक्वल टू टी वन दिया हुआ है, जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टी टी सी डी जो दिया हुआ है टी टी दिया हुआ है, टी सी डी समझ में आया कि प्लैनेट को सी से डी जाने में जो टाइम लग रहा है उसको हमने टी टू लग रहा है, और ए से बी जाने में जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, टी वन लग रहा है, ठीक है। समझ में आया ना, प्लानेटरी मोशन पे बेस्ड है कि एक प्लानेट है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, सी से डी जाने में उसको टी टू टाइम लग रहा है, और ए से बी जाने में टी वन टाइम लग रहा है। और दिया हुआ है कि इफ, देखो इफ, ठीक है, एरिया एरिया ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल ए बी एस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एस, अब सेम नहीं दिया हुआ है, आई मीन इफ द एरिया ऑफ सी, ठीक है, सी डी एस इज डबल दैट ऑफ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, इसका ये दुगुना है तो ये दिया हुआ है इफ ये एरिया क्या होगा, टू टाइम्स होगा। मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा आप, ये देखो क्या है, इन द शोन फिगर प्लैनेट इज मूविंग क्या होगा, ऑन द एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन एज शोन इन द फिगर, इफ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू गो फ्रॉम ए टू बी इज टी वन एंड सी टू डी इज टी टू, एंड इफ एरिया ऑफ एरिया स्वीप आउट बाय द प्लैनेट इन क्या होगा, टी वन, ठीक है, एंड टी टू इज गिवन एज दिस, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या है, टी वन एंड टी टू। समझ में आया क्या, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन, या ऐसे लिख दो, फाइंड मत लिखो, देन क्या होगा, द
रिलेशन बिटवीन T1 एंड क्या होगा एंड T2 विल बी, ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है T1 इक्वल टू T2 और दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है T2 इक्वल टू 2T1 और थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है T1 इक्वल टू 0.5 T2 एंड D जो ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बेटा थोड़ा इसको ट्राई करो तुम लोग, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से मैं क्वेश्चंस बोल दे रहा हूँ कि क्या होगा कि ये प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द क्या होगा सन ऑन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एज सोन इन द फिगर, इफ T1 एंड T2 आर द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू गो फ्रॉम A टू B एंड C टू D एंड इफ एरिया स्वीप आउट बाय द प्लैनेट in time T2 is twice of area sweep out by the planet in time T1. That is, क्या दिया हुआ है यहाँ, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 into area of triangle ABS is equal to क्या होगा area of triangle CDS, ठीक है। तो बेटा केपलर्स लॉ, ये कौन सा लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है आपको मालूम है, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, लॉ ऑफ क्या था एरियाज और क्या है केपलर सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। इसको हमने प्रूफ भी किया था, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा कि एरिया स्वीप आउट, क्या बताया था कि एरिया स्वीप आउट बाय द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द प्लैनेट विद द सन विल, एरिया स्वीप आउट बाय द प्लैनेट वेक्टर, सॉरी एरिया स्वीप आउट बाय द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, सिंपल हम क्या बोल सकते हैं टाइम इंटरवल, आई मीन ए विल बी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, इसको हमने कल प्रूव भी किया था। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा T1 अपॉन क्या होगा T2। तो हम बोल सकते हैं देखो एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रेंगल ACD CDS डिवाइडेड बाई क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ABS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 अपॉन क्या हो जाएगा T1। अब ये दिया हुआ है कि CDS का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेंगल CDS, इसका क्या है ट्वाइस है, इसका क्या है ट्वाइस है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हो और आंसर आसानी से क्या कर सकते हो बता सकते हो, ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ वैल्यू रख दो तो देखो हम लिख सकते हैं आई मीन एरिया ऑफ CDS क्या है ट्वाइस ऑफ क्या है, तो इसके एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ से वैल्यू रख सकते हो, देखो T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into, ठीक है, 2 into एरिया ऑफ ट्रेंगल ABS डिवाइडेड बाई क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ABS, ठीक है, यहाँ से हमने रख दिया, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू क्या होगा 2T1, क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 2T1, ठीक है, समझ में आया। या ऐसे लिख सकते हो कि T1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से देख भी सकते हो तुम, ठीक है, T2 इक्वल टू क्या मिल गया तुमको 2T1 मिल गया, ठीक है, हमने दोनों ऑप्शन सेम लिख दिया है क्या, T1 इक्वल टू यहाँ होगा, यहाँ हमने ये ऑप्शन सेम लिख दिया है, ठीक है, समझ में आया क्या। तो यहाँ से तुम बेटा बता सकते हो कि T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं,
थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, जनरली ठीक है कि ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है सॉलिड स्फीयर है, इसका मास क्या है m है, और यहाँ यहाँ देखो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे क्या है, एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है रिंग है, रिंग का भी मास कुछ दिया हुआ, इनके बीच जो डिस्टेंस आई थिंक रूट थ्री आर है, ठीक है, इसका भी रेडियस जो है वो क्या है आर है, और आई थिंक इसका भी रेडियस आर दिया होगा शायद, देखते हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। स्फीयर का मास क्या है, स्फीयर का मास कैपिटल एम है, और रिंग का जो मास है वो क्या है स्मॉल एम है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है सॉलिड स्फीयर है, याद रखना क्या है बेटा ये सॉलिड स्फीयर, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि इन द शोन फिगर, समझ में आया क्या, ये ऐसे रखा गया और सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है, या इक्विलिब्रियम में नहीं रहे तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं पूछी गई है, सिंपल आपसे फोर्स पूछा गया है कि उनके बीच फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं, ठीक है, देन मैं लिख सकता हूँ, देन आई मीन ऐसे लिख सकते हैं, इन द शोन फिगर, शोन फिगर द क्या होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड रिंग इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, ठीक है, आई मीन इसके और इसके बीच क्या करना है तुमको, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना है लिखना है, ठीक है, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8 r² सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन रूट थ्री आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूट थ्री जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर स्क्वायर, बी जो ऑप्शन है वो क्या है रूट थ्री जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 8 r², ठीक है, ये फोर ऑप्शन दिया हुआ है। इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आई थिंक खुशी भी भेजी थी मुझे, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था, तो कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग बता सकते हो कि कैसे हम सोचेंगे इसको। देखो एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसको दो तरह से हम सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से मैं बताऊँगा, आई थिंक दोनों तरह से आप चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो क्या करो, एक तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड स्फीयर है तो किसी भी पॉइंट के लिए आउटसाइड के लिए इसको हम क्या करेंगे पॉइंट मास की तरह हम क्या करेंगे ट्रीट कर दें, इसको कंसीडर कर लें। तो कॉन्सेप्ट बेटा क्या है कि सबसे पहले सॉलिड स्फीयर को क्या करो पॉइंट मास से क्या करो रिप्लेस कर दो, यहाँ कैपिटल एम रख दिए और यहाँ क्या हो गया स्मॉल एम, ठीक है, ये सेपरेशन कितना हो गया बेटा रूट थ्री आर, इसका रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ है, ये आपको मालूम है, ठीक है, यही इसका सेंटर है। अब इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, मेथड वन में क्या है सबसे पहले दूसरे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू क्या होता है मास, यही होता है ना यार। तो देखो ये रिंग का ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा बता सकते हो, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा एक्सिस ऑफ क्या होगा रिंग, और आप जानते हैं कि रिंग के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो फॉर्मूला होता है कितना होता है बेटा बता सकते हो जी
मास ऑफ द रिंग इंटू एक्स अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या होता है 3/2। ठीक है, ये एक्सिस पे फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू क्या है, रूट थ्री आर है, तो वैल्यू रख लो। तो देखो eg इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता सकते हो जी एम रूट थ्री आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आई थिंक 8r³ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया था। देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मालूम चल जाएगा कि किस पॉइंट पे, इसको यदि मैं p लिख दूँ तो p लिख दे सकते हैं। ठीक है, तो कितना p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, रूट थ्री जी एम सॉरी स्मॉल m, ठीक है, अपॉन क्या हो गया 8r²। अब फील्ड मालूम हो गया, कहीं भी फील्ड आपको मालूम चल जाए तो वहाँ किसी मास पे फोर्स कैसे निकालेंगे, फील्ड इनटू क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं हम, फील्ड इनटू क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम कैसे उसको सोचेंगे, समझ में आई बात। तो यहाँ अब एफ जी आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रिंग ऑन सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री आर विल बी गिवन एज क्या होगा, एफ जी इक्वल टू क्या होगा, ई जी इंटू मास ऑफ द क्या होगा, स्फीयर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट थ्री जी स्मॉल m कैपिटल m अपॉन 8r². ठीक है, तो यही क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्फीयर एंड रिंग। ठीक है, समझ में आया। तो देख लो बेटा इसमें आंसर कहीं दिया हुआ है क्या, ऑफकोर्स आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए, दूसरे तरह से हम क्या सोच सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, समझ में आया। तो डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा जो मेथड है इसको हम कैसे सोचेंगे वो बता रहा हूँ। अब हम उल्टा जाएंगे यार, है ना, उल्टा क्या जाएंगे बताओ तुम लोग, कि ये ध्यान से देखना, इसको यदि तुम ज्वाइन कर दोगे तो एक कोन बन जाएगा, कोन के एपेक्स पे या कोन के वर्टेक्स पे क्या होगा, एक मास रखा हुआ है, और आई मीन ये सिंपल कोन का वर्टेक्स हो गया। तो इसके बीच आई मीन रिंग और इसके बीच फोर्स कैसे लिखेंगे, देखो तो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि स्फीयर के द्वारा हम दो पॉइंट कंसीडर कर लें, एक पॉइंट एक मास यहाँ ले लें डी एम, और एक मास क्या कंसीडर कर लें यहाँ ले लें। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ इसको हम डायमेट्रिकली अपोजिट ले रहे हैं, समझ में आया ना, ये समझ में आना चाहिए। तो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, इधर लगेगा क्या, देखो ध्यान से, इधर लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। बाई सिमेट्री इस एम और डी एम के बीच जो फोर्स होगा, देखो ये डी एफ होगा और ई वी क्या होगा, डी एफ होगा, सही है। और ये एंगल यदि मैं थीटा मान लेता हूँ, देखो ध्यान से, तो यहाँ भी आप बाई मिस्टेक से सोच सकते हो कि देखो ए वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, उसी तरह ए वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, सही है। अरे समझ में आया, देखो फोर्स कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो डी एफ, तो बाई सिमेट्री देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा देखो इधर होगा, ठीक है, डी एफ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर भी क्या होगा बेटा, इधर देखो डी एफ इधर लग रहा है, समझ में आ रहा है। डी एफ क्या है, फोर्स बिटवीन एम एंड डी एम, ये दो पॉइंट मास होना है, इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, डी एफ साइन थीटा, और इधर भी जो ये कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डी एफ, ठीक है, साइन थीटा। तो बाई सिमेट्री क्या होगा, आप बोल सकते हो कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इसके द्वारा आई मीन एम के द्वारा इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, आई मीन जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री, सिमेट्री फोर्स ड्यू टू मेथड टू में तुम ऐसे कंसिडर फोर्स, इसको मेथड टू लिख लेना बेटा, ठीक है, बाई सिमेट्री फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑन रिंग
विल बी क्या होगा डायरेक्टेड, यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्टेड डाउनवर्ड, समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं एफ जो नेट फोर्स होगा एफ जी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन डी एफ क्या होगा कॉस थीटा। अब बेटा कॉस थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी एफ का यहां वैल्यू रख सकते हो, देखो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बता सकते हो, देखो जी डी एम कैपिटल एम अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो, देखो ये रूट थ्री आर है, ए आर है तो रूट थ्री आर स्क्वायर आई मीन कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं थ्री आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पा और सिंपल यही रहेगा, ये समझ में आया कैसे होगा? ठीक है, तो डी एफ का जो वैल्यू लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो जी एम डी एम अपॉन क्या हो जाएगा फोर आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ वैल्यू रख दो तो देखो कॉस थीटा भी कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखो कॉस थीटा का वैल्यू रख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बता सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई रूट थ्री होगा क्या, नहीं वन बाई रूट थ्री नहीं होगा, गलत बोल दिए, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, तो यहाँ थीटा इक्वल टू तुम बोल सकते हो टेन थीटा इक्वल टू, देखो ऐसे ही बोल सकते हो टेन थीटा इक्वल टू आर अपॉन क्या होगा रूट थ्री आर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया ना? ठीक है, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, तो रूट थ्री बाई टू डी एफ, डी एफ का जगह वैल्यू रख दो जी एम अपॉन क्या होगा फोर आर स्क्वायर डी एम, ये सब कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री, देखो रूट थ्री जी एम अपॉन एट आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एम, डी एम का मतलब क्या हुआ टोटल मास ऑन द क्या हो जाएगा रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रूट थ्री जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन कितना हो गया एट आर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो इस प्रॉब्लम को अच्छी सोच सकते हो। पहले सबसे पहले बेटा आप जब भी हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या करना है ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को अप्रोच करने वक्त सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ो आप, पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि अरे हम इसमें एक कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं इससे, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले लिखो और लिख करके क्या करोगे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा आंसर आ जाएगा। आंसर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि क्वेश्चंस को अपने को समझ में आना चाहिए, आपको पढ़ करके समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस का पूछा क्या जा रहा है और क्या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ा है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, आंसर तो यार आ जाएगा, आंसर का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो अब इसको हालांकि अभी टाइम मिला है तो इसलिए मैं बता देता हूं या आप भी सोचोगे, देखो ध्यान से कि अर्थ है। ठीक है बेटा, हालांकि मैंने एसएचएम में क्वेश्चंस बताया भी था और बोला था कि देखो अभी कोई क्वाड है, क्वाड के अलावा हमने क्या किया टनल क्या किया डग कर दिया, समझ में आया ना क्या किया टनल, ये सॉलिड स्फीयर है टनल डॉग की है। ठीक है, यही क्या है सेंटर है, यहां क्या किया गया इसके सरफेस से क्या किया गया, यहां से ठीक है यहां से एक पार्टिकल जिसका मास क्या है m है, इस अर्थ का मास क्या होगा बेटा कैपिटल m, इसका रेडियस आपको मालूम है, रेडियस क्या है कैपिटल r है। ठीक है, और यहाँ से मैंने मान लिया कि ये d डिस्टेंस पे टनल डग किया गया है, समझ में आया क्या, तो अब क्या होगा कि यहाँ से m पॉइंट पे क्या किया m आई मीन सरफेस पे किसी मास को रिलीज कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ क्या होगा स्मॉल m विल बी क्या होगा सिंपल हार्मोनिक। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि अर्थ है जिसका मास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम और एक टनल कॉर्ड के अलोंग
खोदा गया है और उस टनल में सरफेस से एक पार्टिकल जिसका मास क्या है स्मॉल एम है उसको रिलीज कर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड या प्रूव दैट द मोशन ऑफ स्मॉल एम विल बी सिंपल हार्मोनिक, ठीक है, और फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम यदि ये प्रूव कर दें कि टाइम पीरियड जो हो जाए वो डी से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपको और मालूम है कि टाइम पीरियड यदि टनल को होल यदि डायमीटर के अलॉन्ग यदि हम बनाएं और उसमें किसी पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन क्या होता है जी होता है, ये शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, इफ द क्या होगा, इफ द पार्टिकल इज रिलीज इनटू या इन द होल फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन प्रूव दैट इट्स मोशन विल बी क्या होगा, विल बी SHM एंड ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड। ठीक है, ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आप मुझे बता सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो आपको मीन पोजीशन ढूंढना होगा, ठीक है, क्या होगा, मीन पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। मीन पोजीशन से देखना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है सॉल्यूशन में बेटा क्या लिखेंगे कि SHM का इक्वेशन क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, टुवर्ड द मीन पोजीशंस। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा, SHM, यही है ना। तो पहले आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो यार ऐसे तो ये आएगा नहीं, ऐसे तो इक्वेशन थोड़ी आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स लिखेंगे। अब अर्थ के अंदर फोर्स कैसे लिखेंगे, देखो जब भी क्या होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो तो सबसे पहला काम क्या होता है कि फील्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, मास से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये मान लिया बेटा, ये मान लो कि पार्टिकल जो है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहाँ आ गया हो, यहाँ आ गया। जैसे मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ नंबर क्या है फर्स्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है पहले लिख लें। कॉन्सेप्ट सेकंड जो यूज करना है, पहले तो आप क्या लिखना है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, मालूम है R इक्वल टू क्या होता है GM अपॉन क्या होगा R क्यूब इंटू क्या होगा R। दिस इज R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, फ्रॉम सेंटर, समझ में आया बेटा, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो यदि R डिस्टेंस पे कोई मास रखा हुआ हो तो उसमें फोर्स कैसे लिखेंगे, फील्ड इंटू क्या करेंगे हम, फील्ड इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू मास विल बी इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास, किस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास मूव कर रहा है, ठीक है, हम उस पे लिखेंगे। तो दूसरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी क्या होगा, ईजी आर इंटू क्या लिखेंगे, स्मॉल एम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जी एम स्मॉल एम अपॉन क्या होगा, आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा बेटा ये किधर लगेगा, दिस फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर,
किधर लाएगा, सेंटर के तरफ लाएगा। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हमने यही टनल डक किया है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे किसी पार्टिकल को हमने रिलीज किया, और हमने मान लिया कि पार्टिकल जो है क्या है, पार्टिकल जो है वो कहाँ है, यहाँ है। सेंटर से कहाँ है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन पार्टिकल देखो तो मोशन किसके अलोंग हो रहा है, उसके अलोंग ही। अब मोशन किसके अलोंग हो रहा है बता सकते हो, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन। ठीक है, तो मान लो अब फोर्स जीरो कहाँ होगा आप बता सकते हो, फोर्स किस पॉइंट पे क्या होगा, देखो यही क्या होगा, दिस विल बी आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी मीन पोजीशन। ये समझ में आया, ये समझ में आ जाना चाहिए। मीन पोजीशन पे मोशन के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स जीरो हो जाएगा, देखो जब यहाँ होगा तो ये फोर्स किधर लाएगा, इधर लाएगा, तो टनल के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना। अब यदि मैं इस एंगल को बेटा, इस एंगल को यदि ये मैं मान लूँ, देखो तो यदि इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, इस एंगल को थीटा मान लूँ, तो इधर एफ जी लग रहा है यार, तो इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आप बता सकते हो, देखो इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ जी साइन थीटा होगा। और यही क्या होगा, री स्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एफ आर, समझ में आया ना, एफ आर। यदि देखो जब यहाँ आ जाएगा तो ये फोर्स किधर लाएगा, देख सकते हो, जब इधर लाएगा तो फोर्स किधर लाएगा, इधर लाएगा, तो इसका जो टनल के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स मीन पोजिशन। ठीक है, तो एफ आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा माइनस एफ जी साइन थीटा। ठीक है, और एफ जी का जो वैल्यू रखोगे यहाँ, देखो ध्यान से क्या रखोगे, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। साइन थीटा भी आप लिख सकते हो यहाँ, साइन थीटा क्या होगा बता सकते हो, देखो इस ट्रेंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन, यदि मैं ये मान लूँ एक्स, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो x क्या है, x इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द क्या होगा, मीन पोजिशन। तो यहाँ हमने ये मान लिया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ हम लिख सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी स्मॉल m कैपिटल m अपॉन क्या होगा, आर क्यूब इन टू, ठीक है, x बाई आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमने इंटू आर लिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना, और इंटू साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स रख देंगे। अब एफ आर इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सलेशन इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो गया, आर क्यू इंटू एक्स। एक्स क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम मीन पोजिशन। मीन पोजिशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लिख लेना तुम लोग, मीन पोजिशन। ठीक है, तो अब m से m कैंसिल हो गया। अब देखो a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी स्मॉल m, सॉरी कैपिटल m। अब आई थिंक ए एस एच एम, देखो तो एक्सेलेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दोनों का क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हैंस हम बोल सकते हैं मोशन जो होगा वो क्या होगा, मोशन विल बी एस एच एम। अब टाइम पीरियड कितना होगा, देखो तो दिस विल बी क्या होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान देना कि टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, देखो क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मालूम चल गया, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना मालूम चला, जी एम अपॉन क्या हो गया, आर क्यूब। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे आप जानते हो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी का जो वैल्यू होता है, जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू, देखो ध्यान से, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन क्या हो जाएगा, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द क्या होगा, सरफेस ऑफ
द अर्थ। तो यहाँ से देखो एक पॉइंट मालूम चल गया तुमको, क्या होगा कि तो हम लिख सकते हैं यहाँ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या हो गया r बाई क्या हो गया जी, वेयर r क्या है, अब कोई भी सॉलिड स्फीयर दिया है तो वहाँ हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल r और g से क्या है, g पे टाइम पीरियड, d पे क्या है, d पे डिपेंड नहीं किया, d हमने क्या कंसीडर किया है, डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम द क्या होगा, सेंटर ऑफ क्या होगा अर्थ, आई मीन टनल किसी भी कॉर्ड के अलोंग आप क्या करो खोदो तो टाइम पीरियड का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समझ में आया ना, और इसका जब आर का वैल्यू रखोगे बेटा तो ये कितना आता है, टी इक्वल टू 84.6 मिनट आता है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम द क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ। टी मैं यहाँ लिख दें, टी डज नॉट, टी नोट में लिख लेना बेटा, टी डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ क्या होगा, डी। हम लिख सकते हैं फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी टी, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड आई मीन टी विल बी क्या होगा, विल बी इक्वल टू 84.6 मिनट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो कोई भी सॉलिड स्फीयर है क्या है, उसके किसी भी कॉर्ड के अलोंग आप होल बनाओ और होल में किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दो तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम हो जाएगा, और टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बाई जी, या अर्थ के जगह मून भी पूछा हो सकता है, सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड करेगा और उसके सरफेस पे जी का वैल्यू है क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा, याद रखना है। लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ये समझ में आया ना, हर केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब टनल जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर के अलोंग होगा, समझ में आया ना। तो यहाँ ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये भी लिख ले सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल डिपेंड ऑन द क्या होगा, डी, समझ में आया ना, ये याद रखना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस या सिंपल डिपेंड ऑन डी, ठीक है, इफ क्या होगा, इफ डी विल बी जीरो देन, ठीक है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम एंड इक्वल टू कितना होगा बेटा, इक्वल टू आर, सही है, एस क्या होगा, एस याद रखना, एस डी इंक्रीजेस आर, सॉरी एम्पलीट्यूड मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, ए डिक्रीजेस एंड वाई से वर्स, ठीक है, समझ में आया। तो और एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे, अब कैविटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, कि तुम लोगों का जो डाउट है, ये क्वेश्चंस भी दिया था तो शायद किसी ने पूछा भी नहीं कि उसको डाउट है या नहीं है, तो थोड़ा हम उस पर एक कैविटी से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम तुम लोगों को बताने के लिए, ठीक है, कि कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। से देखो बेटा ये प्रॉब्लम जो है, हालांकि जनरली एडवांस में इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तुमसे, ठीक है,
ठीक है, थोड़ा इसमें इंक लगे। देखो क्या है, इंपॉर्टेंट एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है बेटा, आर दिया हुआ, ठीक है, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास जो दिया हुआ है कैविटी है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, कैविटी है। ओरिजिनल सेंटर को हम C1 मान लेते हैं और कैविटी के सेंटर को मैं क्या मान रहा हूँ, C2 मान रहा हूँ। रेडियस जो दिया हुआ है वो क्या है, आर दिया हुआ है, और अफकोर्स जो ए वाला जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर बाई टू का। कोई एक सॉलिड स्फीयर है ना, जिसके अंदर एक कैविटी बनाया गया है जिसका रेडियस क्या है, आर बाई टू है। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ठीक है, इनसाइड द कैविटी, फील्ड का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, इसका मास m मान लो, ड्यू टू m विल बी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, समझ में आया ना, सॉलिड स्फीयर है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है, उसमें मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या हुआ, मेरी इच्छा हुई तो मैंने क्या किया, सॉलिड स्फीयर से एक आर बाई टू रेडियस का स्फीयर कट करके निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैविटी बन गया। तो आपको क्या करना है, कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है, और यहाँ से ये प्रूव करना है कि कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई बात। तो जब भी कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो ध्यान देना है कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके बाद तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये मालूम है, देखो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो ये मालूम है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, gm अपॉन क्या होगा, फॉर सॉलिड स्फीयर मैं लिख रहा हूँ, फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये रटा हुआ होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर क्या होता है, आर क्यूब अपॉन क्या होता है, आर होता है, यही होता है ना बेटा। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, क्या होता है, जी एम अपॉन क्या होगा, आर क्यूब। अब हम m को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, देखो रो इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बेटा m इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ वैल्यू रख दो तो देखो इजी, जब भी कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कोशिश करो फॉर्मूला को डेंसिटी के, वॉल्यूम मास डेंसिटी के टर्म में या सरफेस मास डेंसिटी के टर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ वैल्यू रखो तो तुमको दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वैल्यू होगा 4π/3 रो जी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो शायद ऐसे लिख सकता हूं, ई जी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई भी लिखोगे तो चलेगा, 4π, ठीक है, अपॉन 3 रो जी इंटू क्या लिखेंगे, -r वेक्टर। देखो r जो लेते हैं वो सेंटर से अवे लेते हैं,
और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है, माइनस साइन इंडिकेट किया है। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको सिंपल ये वाला याद रखना है कि यहाँ हमने क्या माना है, वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो यदि पॉजिटिव वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, अंदर होगा। यदि निगेटिव यदि हम मान लें, गलती से, ऐसा होता नहीं है लेकिन हम कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करते हैं, जैसा कि हम यहाँ करेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यदि वॉल्यूम मास डेंसिटी पॉजिटिव होगा तो फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और यदि क्या होगा, निगेटिव होगा तो इट विल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द क्या होगा, सेंटर। तो यहाँ मैं दो पॉइंट मेंशन करता हूँ, फिर इस प्रॉब्लम पे आता हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो यहाँ लिखेंगे कि इफ रो इज ग्रेटर देन जीरो देन ईजी विल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तुमको कन्फ्यूजन नहीं, सेंटर, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कि इफ रो बेसिकली होता नहीं है लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मास का भी नेगेटिव भी होता है यार, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैविटी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यही मेथड यूज करेंगे। तो इफ रो इज नेगेटिव देन हम बोल सकते हैं, देन यहाँ से भी तुम देख सकती है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, देन ईजी विल बी क्या होगा, विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से क्या हो जाएगा, अवे चला जाएगा। अब हम बेटा ऐसे सोच सकते हैं, देखो तो मैं ऐसे मान लूं, देखो ध्यान से, ये ओरिजिनल स्फीयर है, देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने ये मान लिया इसका सेंटर क्या है, C1 है, ठीक है, इस पे जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है वो प्लस है, ठीक है, और प्लस एक हमने मान लिया इसका रेडियस, हमने क्या माना है बेटा, R/2, ये C1 सेंटर है। एक दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, R/2 कितना है बेटा, 2 है, और इसका सेंटर क्या है, C2 है, इसका रेडियस कितना है, ये कितना है, R/2, इसका यदि मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी निगेटिव मान लूँ और जब मैं दोनों को सुपर इम्पोज करूँ तो कैविटी बन जाएगा, समझ में आई बात, क्या बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे, देखिए प्लस मास हुआ और माइनस मास हुआ, तो प्लस मास और माइनस मास मिल करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मास कभी नेगेटिव होता है, लेकिन कैविटी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कैविटी मिल जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक कैविटी मिल जाएगा जो अपना एरिया आप क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, एक क्या मिल गया, इन दोनों को हमने क्या किया, सुपर इम्पोज कर लिया, तो ये अपने को मिल जाएगा। अब देखो कैविटी के अंदर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, देखो यहाँ इसके यहाँ ए पॉइंट, ऐसे सोचोगे पॉइंट पी है और इस कैविटी के इससे R1 और यहाँ भी पी पॉइंट होगा, समझ में आया ना, अरे यही पॉइंट को मैंने अलग अलग दिखाया। इससे देखो इसका जो डिस्टेंस है, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R+, और इस निगेटिव मास डेंसिटी से जो डिस्टेंस है, पोजिशन वैक्टर है, उसको मैं R- लिख रहा हूँ, समझ में आया ना, ये R+ वैक्टर और क्या होगा, R- वैक्टर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो बेटा, देखो कितने आसानी से आ जाएगा आंसर, देखो ध्यान से। अब मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और ये वाला कि देखो ये क्या है, अब E+ मैं लिखूंगा, E+ का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव वॉल्यूम मास डेंसिटी, समझ में आया ना, ये कितना होगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला यूज करो, तो 4π/3 रो जी
ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव मास डेंसिटी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लगेगा, टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द सी1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर प्लस माइनस, सही है, माइनस साइन। देखो आर प्लस का मतलब क्या हुआ, सेंटर से अवे, आर माइनस वेक्टर का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैं लिख सकता हूँ, देखो ई माइनस, ठीक है, ई माइनस का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू निगेटिव वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4π/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो रो जी इंटू हम क्या लिखेंगे, आर माइनस, ठीक है बेटा। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो आंसर आ गया, और इसको पॉसिबल हो तो तुम लोग याद कर जाना इस आंसर को, ठीक है। अब फील्ड पे कैविटी के अंदर पॉइंट पी जो होगा, हम क्या करेंगे, इसके द्वारा जो फील्ड लिखा और इसके द्वारा दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम लिखेंगे। तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, ई माइनस। प्लस का मतलब समझ में आया ना, ई प्लस का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव वॉल्यूम मास डेंसिटी, और ई माइनस का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू निगेटिव वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब तो कुछ करना ही नहीं है, देखो ध्यान से कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पहले अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा मिल गया, ठीक है। तो 4π/3 रो जी इंटू, अब ऐड करते हैं, देखो तो आर माइनस वेक्टर, माइनस क्या हो जाएगा, आर प्लस वेक्टर, समझ में आई बात। अब देखो थोड़ा सा वेक्टर भी हम पढ़ लेते हैं यार, है ना, वेक्टर कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से यहां मैं बता रहा हूं, अब इधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, देखो यही सेंटर है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है, ऐसी कैविटी है, यही क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर प्लस, और दिस वेक्टर इज क्या होगा, आर, इधर थोड़ा सा लेते हैं, आर माइनस, समझ में आया ना। देखो ऐसे वेक्टर है, ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ए C1 C2, ठीक है, यही क्या है, पॉइंट पी है, इधर देखो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या होगा, आर प्लस वेक्टर, और ये क्या है, आर माइनस वेक्टर, ठीक है। तो तुम बताना इसको हम ऐसे आर माइनस आर प्लस वेक्टर क्या होगा, देखो तो ऐसे होगा क्या, देखो तो ध्यान से, ए C1 C2 ये क्या हो जाएगा, आर माइनस वेक्टर, यही पॉइंट पी हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस वेक्टर हो गया क्या, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो C2 टू C1 वेक्टर हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो, EP ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, 4π/3 रो जी इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आर माइनस वेक्टर प्लस माइनस आर प्लस वेक्टर, सही है। तो देखो तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो EP विल बी इक्वल टू क्या होगा, 4π/3 क्या हो जाएगा, 3 रो जी इंटू, हम लिख सकते हैं देखो C2 C1, समझ में आया क्या। तो ये तुमको क्या करना है, रट जाना है, पॉसिबल हो तो तुम क्या करोगे, याद कर जाओगे, ठीक है। C2 C1 का मतलब क्या हुआ, देखो अब यहाँ से बोल सकते हैं ये डायरेक्शन, यहाँ से हो गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या होगा, विल ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ क्या होगा, ओरिजिनल स्फीयर, ठीक है। ऑलवेज किधर डायरेक्टेड होगा, C1 के तरफ होगा, देखो C2 टू C1, तो यहाँ लिख सकते हैं hence, ठीक है, hence ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, देखो P से इंडिपेंडेंट हो गया, P कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स
सी वन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो क्या बताओगे, ई जी का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, 4π/3 रो जी सी वन सी टू। यदि दोनों के बीच क्या हो जाए, सेपरेशन जीरो हो जाए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, थ्री सेपरेशन जीरो हो जाए तो आसानी से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब रो का वैल्यू कैसे लिखोगे बेटा, तो रो तो तुमको मालूम ही है, रो भी मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। अभी आंसर नहीं आए, मैंने जनरल आंसर बताया, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखो ई जी ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इनसाइड द क्या होगा, कैविटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो हम थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कैविटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, यहाँ तो अब देखो यहाँ लिख सकते हो, अपने प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ, रो इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन क्या लिखोगे, 4π/3 देखो आर क्यूब माइनस क्या लिखोगे, आर क्यूब बाई 8, सही है। तो रो इक्वल टू बेटा क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, एम अपॉन, अरे मास भाई वॉल्यूम ही होगा ना, तो देखो कितना लिखोगे, 4π/3 आर क्यूब इंटू 7 8, ठीक है। यहाँ से तुम 4π, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, अपने को जो ज़रूरत है हम वहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं। और C1 C2 का जो वैल्यू है क्या है, R/2 है, तो EP का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो इधर लिखता हूँ शायद दिखाई नहीं दे, EP का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो तो 4π/3 जी इंटू, रो का वैल्यू रखो कितना हो जाएगा, 8m अपॉन 7R³ इंटू, ठीक है, 4π/3 इंटू आर बाई क्या लिखोगे, सही है। तो देखो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तुम डायरेक्ट फील्ड लिख सकते हो कितना, मैंने जल्दी जल्दी मैं कुछ जल्दी तो नहीं कट कर दिया, आई थिंक 4gm अपॉन क्या हो जाएगा, 7R² आंसर होगा, शायद देख लेना कहीं क्या। तो बेटा यदि सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, कैविटी के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 4π/3 इंटू रो इंटू जी इंटू सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कैविटी एंड ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर। एक और एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछता हूँ और बताना, ठीक है, इस फील्ड को, तो इसको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रट जाओ, यदि याद है तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, एक एग्जाम्पल देखो यहाँ, ठीक है बेटा, देखो यहाँ सेमी क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ, ठीक है, ये मास दिया हुआ है, इसका मास क्या है, मैं एक कैविटी है, यहाँ क्या है, एक मास रखा गया है, एक पार्टिकल जिसका मास क्या है, मैं देखो ये सेंटर क्या दिया है, C1, ये सेंटर क्या है, C2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, देखो ध्यान से, ये कैविटी जो है इसका रेडियस कितना है, R/2 है, और ये ओरिजिनल जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, R है। तुमको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जब यहाँ तुम इस पार्टिकल को छोड़ दोगे तो यहाँ नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, समझ में आया ना, यहाँ आकर के क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ उसको जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा। तो एक्सेलरेशन आपको मालूम है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि रिलीज कर रहे हैं तो जीरो हो गया, तो s इक्वल टू ut+ ½ at² हम क्या कर सकते हैं, कैविटी के अंदर v² = u² 2as v = u+at आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इनसाइड कैविटी, बिकॉज
कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है यहाँ कि फाइन, ठीक है, फाइन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सिंपल ऑन ए स्मॉल एम एज, ठीक है, सोन इन द क्या होगा, सोन इन द फिगर, ठीक है। अब देखो सिंपल यदि लिखना है, एक स्टेप का है, फायदा क्या है, देखो यदि तुमको ये फॉर्मूला याद है तो तुम आसानी से बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे जो लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, सी वन के तरफ, इधर एफ जी लगेगा। एफ जी कितना होगा मैं ये भी लिख देता हूँ, इधर कहीं भी जी का वैल्यू क्या, ई ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। तो पहले हम लिखेंगे एफ जी, ठीक है, इज इक्वल टू 4π/3 रो जी इंटू एम, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, C2 to C1, समझ में आया ना, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आपको C1 C2 के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया C1 C2 इक्वल टू क्या है, R/2 है, तो तुम R/2 रख दो यहाँ, और ठीक है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, देखो ध्यान से, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसमें, ये पार्टिकल, ये हालांकि बताया था शायद, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r स्मॉल r अंडर द क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इफ पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, तुमको इस टाइप का न्यूमेरिकल कहाँ मिल सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चैप्टर पढ़ोगे वहाँ मिलेगा, उसके बाद जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है, और ग्रेविटेशन में मिलेगा। तो तीन जगह ऐसे, थ्री चैप्टर्स में आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑफकोर्स सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया ना। इफ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ द पार्टिकल इज गिवन एज, देखो ध्यान से, देखो u इज इक्वल टू माइनस के अपॉन क्या होगा, आर के पावर एन, समझ में आया। देन फाइंड, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया जा सकता है, फोर्स दिया जा सकता है, दो न्यूमेरिकल तुमसे इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी बुक में तुमको मिलेगा, और आया भी है एक बार जेई में क्वेश्चंस, लेकिन ये VVI में लिख देता हूँ, ठीक है। देन फाइंड, ये में फाइंड आउट क्या करना है वो मैं बोल देता हूँ, स्पीड और वाइटल स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बी जो है क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, सी पूछने की जरूरत नहीं, रहने दो ऐसे ही, इतने ही जाने दो, ठीक है, और सब तो तुम खुद कैलकुलेट कर लो। अब बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्या है? देखो जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन समझ में आया क्या कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, अलग तरह से वैरी कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर होता है, आई मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ अलग दिया हुआ, आर का पावर क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो इसको यूज करके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब आप फोर्स कैलकुलेट कर लोगे तब यही फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसके बाद प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है बेटा, तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, ठीक है, कहाँ पढ़ा था, वर्क एनर्जी चैप्टर में, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स जब भी होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, रिलेशन होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो होता है वो पाथ से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है, आई मीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पर ही क्या होता है, यदि वर्क डन डिपेंड करता है तो वैसे फोर्स को, वैसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हम उस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इसको यूज करके आप ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लिखो। तो देखो एफ जी बेटा क्या हो जाएगा, माइनस डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर। ये समझ में आया, आप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, एफ जी इक्वल टू तो माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो के यहाँ मैं लिख, के क्या है, कॉन्स्टेंट है याद रखना, डी ऑफ आर के पावर एन माइनस एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी आर। यहाँ जब एफ जी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा, के, ठीक है, आर के पावर एन प्लस क्या हो जाएगा, वन, सही है, यही आपका। यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अलवेज क्या है, एट्रैक्टिव नेचर का है, दूसरा कुछ नहीं है। के बेटा क्या है, के याद रखना है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम चल गया, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद तुम खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखो यही क्या है, एफ जी इधर लग रहा है और कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम दिया हुआ है, मास की जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर पाथ पे क्या है, मूव कर रहा है, कर रहा है ना, यही सेंटर है बेटा। तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा बता सकते हो, वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर, रेडियस आर दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे देखो, तो एन के अपॉन क्या होगा, आर के पावर एन प्लस वन, सही है। अरे समझ में आया ना, एन इंटू एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। यहां से तुम देख सकते हो, ठीक है, यहां से तुम देख सकते हो कि वी जो होगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के अपॉन क्या हो जाएगा, आर के पावर एन, यही होगा बेटा। देखो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वी नट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर के पावर माइनस एन बाई क्या हो जाएगा, टू। कभी कभी एन के साथ एक ऐसी वैरी कर रहा है, आई मीन आर का पावर क्या है, तो ये क्या है, और वाइटल स्पीड, मैंने रफली लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो आप क्या कर लो, फोर्स कैलकुलेट कर लो, और फिर टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वहाँ से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब ऑर्बिटल स्पीड मालूम चल गया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर। तो हम लिख सकते हैं
ओमेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर, सही है। और यहाँ से बेटा लिख सकते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी देखो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर के पावर माइनस एन बाई टू अपॉन क्या है, आर, सही है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर माइनस, ठीक है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सही है। अरे ये समझ में आया, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड तुमको मालूम है कि टी का जो फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ टी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर के पावर एन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, सही है बेटा। तो कभी कभी ये रिजल्ट ये आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चंस, तो क्या होगा कभी कभी इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपसे क्या है पूछा जा सकता है, समझ में आया ना। तो ये आपसे इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी जो है वो उसका आर के साथ क्या रिलेशन है, ओमेगा का आर के साथ क्या रिलेशन है, आर और एन के साथ या आर के साथ, ठीक है। टाइम पीरियड का जो रिलेशन आर एंड एन आर के साथ है वो क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें सेकंड जो प्रॉब्लम पूछा जाता है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यदि आपको कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो उसको यूज करके आप क्या करो, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो। और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही आपने लिखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो कि यहाँ दिया हुआ है कि ये पार्टिकल ऑफ क्या होगा, ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग, ठीक है, ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है, अंडर द क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज गिवन एज, देखो एफ इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, के अपॉन आर के पावर एन, ठीक है, वेयर के क्या है, कॉन्स्टेंट। तो आपसे पूछा गया है, देन फाइंड, अगेन वही चीज फाइंड आउट करना है, ए में क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, और दूसरा क्या है, टाइम पीरियड। तो बेटा आई थिंक आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो ही चीज़ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ देखो अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ फोर्स भी कैलकुलेट नहीं करना है, देखो यही क्या है, सेंटर है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है आपको, पार्टिकल है मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ वेक्टर मैंने ऐसे मूव कर रहा है, इसका रेडियस मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल आर दिया ही है, आर क्या है, यहाँ से रेडियल डिस्टेंस लिख लेना, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो देखो अगेन क्या लिखेंगे, एफ जी इक्वल टू क्या होगा, जी स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एफ जी दिया हुआ है, एफ जी इक्वल टू क्या दिया हुआ, के अपॉन क्या दिया बेटा, आर के पावर क्या दिया हुआ है, और यहाँ से लिखेंगे के आर के पावर एन इक्वल टू क्या होगा, एम वी नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब और वाइटल वेलोसिटी यहाँ से आपको खुद से मालूम चल जाएगा, और वाइटल वेलोसिटी कितना होगा, देखो ध्यान से, और वाइटल वेलोसिटी कितना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन क्या हो जाएगा, आर के पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ध्यान से, आर के पावर एन माइनस वन भाई, हम क्या लिख सकते हैं, सही है बेटा, अरे समझ में आया।
अब अगेन हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, आर के टर्म में रिलेशन पूछा जाएगा तुमसे। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज, ओमेगा का मतलब क्या हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नट के पावर क्या हो जाएगा, वी नट अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, वन अपॉन, क्या लिखेंगे, ठीक है, आर के पावर एन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, टू, सही है, सही लिख दिया, क्या समझ में आया। तो यहाँ से हम ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी मालूम चल गया, अब टाइम पीरियड भी मालूम चल जाएगा यार, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है, तो टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर के पावर एन प्लस क्या हो जाएगा, वन बाई क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। तो दोनों केस में क्या हुआ, कई बार देखना ये, अब एन का वैल्यू मान लो कि क्या दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, ठीक है, इफ यहाँ लिख सकते हो, इफ एन इज, देखो दिया हुआ है, कुछ भी दिया रहे, यदि इफ एन इक्वल टू मान लो कि दिया हुआ माइनस टू, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू माइनस टू दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं वी नट और वाइटल स्पीड इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर के पावर माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री बाई टू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर थ्री बाई टू, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ भी लिख सकते हो n का वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस वन, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर के पावर माइनस हाफ, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट n के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है इस पर, और प्रैक्टिस करना, रिवीजन अच्छे से कर लेना, और इस पर और भी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लेना, और इसके बाद हम मंडे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मंडे से हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो और करोगे, और अच्छा करना है बेटा, ठीक है, है ना, कोरोना के वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है, जैसे तुम लोगों ने मोमेंटम बनाया था जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था, उसी तरह मोमेंटम आपको बनाए रखना है, जो भी हेल्प चाहिए तो हम लोग हेल्प करेंगे, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम, आई मीन एग्जाम ऑन 19 को नहीं, सॉरी 9 को जो एग्जाम होगा उसके लिए ऑल द बेस्ट, 19 नहीं 19 बोल, ठीक है।